कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे IPv4 और IPv6 के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। इससे पहले भी मैं IP एड्रेस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की वीडियो में सिर्फ हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म हो गया IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जो IPv4 की स्टार्टिंग हुई थी वो सन 1981 में हुई थी, जबकि IPv6 की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1999 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आता है, जो IPv4 की जो लेंथ होती है वो 32 बिट होती है, जबकि IPv6 की लेंथ होती है 128 बिट। उसके बाद नेक्स्ट है, जो IPv4 है उसकी रेंज 0 से लेके 255 के बीच की होती है, जबकि IPv6 की लेंथ जो है वो 0 से लेके 65535 मीन्स 4x F होती है, दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जो IPv4 है उसके जो सेक्शंस मीन्स ऑक्टेट होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है, जबकि IPv6 में डबल डॉट का यूज किया जाता है, कॉलन का यूज किया जाता है, दिए गए डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, IPv4 में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन की जो लेंथ होती है वो 8 बिट होती है, जबकि IPv6 में टोटल सेक्शंस हमारे जो होते हैं वो 8 सेक्शंस होते हैं और उनकी पर्टिकुलर हर एक सेक्शन की लेंथ जो होती है वो 16 बिट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, IPv4 जो होती है उसका जो एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, जबकि IPv6 का जो एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। मींस जो IPv4 होती है वो उसमें बाइनरी फॉर्म में डिजिट्स लिखी जाती हैं, जबकि IPv6 में हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, IPv4 में जो होती हैं वो क्लासेस में क्रिएट डिवाइड किया गया है IPv4 को, जबकि IPv6 में ऐसा कोई क्लासेस नहीं क्रिएट की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, IPv4 होता है उसमें जो हेडर की लेंथ होती है वो 20 बाइट की होती है, बट IPv6 में हेडर की लेंथ जो होती है वो 40 बिट होती है। हेडर IPv4 और IPv6 में हेडर में वो इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो कितना है, आपके जो सोर्स है उसका IP एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल जो होती है वो हमारी हेडर में स्टोर की जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हेडर का काम क्या होता है किसी भी आईपी एड्रेस में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, IPv4 में जो होता है वो मैनुअल और DHCP मींस डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, जबकि हमारा IPv6 में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को ही सपोर्ट करता है IPv6। ठीक है, इसके बाद वो डिफरेंस हमारा ये है कि IPv4 जो होता है उसमें ब्रॉडकास्टिंग यूज की जाती है, जबकि IPv6 में हमारी जो होती है मल्टीकास्टिंग यूज की जाती है। अब आपका मल्टीकास्टिंग मींस होता है कि इसमें मैनी टू मैनी ट्रांसेक्शन होते हैं, जबकि ब्रॉडकास्टिंग में 1-to-many ट्रांसेक्शन होते हैं। मीन्स सेंडर हमारा एक होगा, रिसीवर हमारे कितने भी हो सकते हैं, ये ब्रॉडकास्ट में होता है। और हमारा जो मल्टीकास्टिंग में होता है कि वो सेंडर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और रिसीवर भी हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, IPv4 जो होता है उसकी ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि IPv6 जो होता है वो इन दोनों को सपोर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जो IPv4 होता है उसके हेडर में टोटल 8 फील्ड होती है, जबकि IPv6 में हेडर की जो फील्ड होती है वो 12 होती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको आज पता चल गया होगा कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या अभी आपके पास और भी कोई डिफरेंसेस है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियोस अपलोड करती तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।